हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर जादू। तो भाई लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो ना हो तो बात करते हैं आज के इस गेम प्ले के बारे में। तो भैया, आज की है तुम्हारे भाई ने पूरे के पूरे सोलो, बोले तो सोलो वर्सेस स्क्वाड टाइप का गेम है अपना। और गाइस, किल किए हैं 19 किल। और भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अकेले खेलूंगा तो भैया मजा तो आएगा ही आएगा। तो उतरना है हमको अपने हॉट ड्रॉप पे, बोले तो ओशियन प्लेस या बोले अंडर वाटर। एंड गाइस, बंदों को पकड़ना है, खूब पकड़ के रगड़ना है। अंडर वाटर में यार गाइस, आप लोग जानती हैं भसड़ बहुत ही खतरनाक और हाई लेवल की होती है। जिसको गन पहले मिली समझ लो वो राजा। तो यार गाइस, गन तो मिल गई थी और एक बंदा भी मिल गया था, तो पहली फुर्सत में यार उस बंदे को निपटाया। लेकिन गाइस, अभी यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मैप में। लेकिन भैया, अभी तुम्हारे भाई को थोड़ा सफलतापूर्वक खेलना है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा किल लेकर के चलना है, बेइज्जती करा के नहीं जाना। तो उसी के चलते यार मैं थोड़ी सी गनमन का जुगाड़ करता हूँ। भैया, मुझे समझ में आ चुका था कि ऊपर वाले अड्डे पे बोले तो गाइस एक ऑलरेडी कैंपर बैठा है। एंड फुटस्टेप तो आ गई बट प्रॉपर तरीके से लोकेशन उसकी नहीं मिल पाई थी मुझे। तो भैया, मैं हाथ में एस्ट्रोल के ले लेता हूँ क्योंकि इस समय एस्ट्रोल के का अलग ही सिस्टम है। गाइस, ये बंदा तो था भाई अपनी पोजीशन का फायर उड़ा के मुझे नॉक करके फिनिश कर देता है। लेकिन मैं रिकॉल होकर के सीधा यहीं आता हूँ और उसके बाद देखो इन सबको कैसे निपटाता हूँ। सर गाइस, मैं क्या देखता हूँ ऊपर आने के बाद में भाई साहब कोई ट्राइडेंट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और कोशिश क्या, वो बंदा भाई साहब ट्राइडेंट को निकाल देता है पूरा स्मोक स्मोक करके। लेकिन भाई साहब, तुम्हारा भाई उसको देख लेता है और देखो क्या है उसका हाल करता है। तो जैसे मैं इस बंदे को नॉक टू फेस करता हूँ, उसकी पेटी से मुझे मिल जाता है ट्राइडेंट, बोलो तो भैया अपना स्पेयर, जिससे कि बवंडर आते हैं। और गाइस, बवंडर के साथ साथ गाइस एक चीज़ और, ऊपर एक बंदे की मुझे फुटस्टेप भी आ गई। और फिर कहा था तुम्हारा भाई के पास से एयर गन या वाटर गन कुछ भी कह लो। और भैया, निंजा टेक्निक करने में तो तुम्हारा भाई एक नंबर पे है। और देखो उस बंदे को कैसे निपटाते हैं। इन बंदों को निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा मैं घूम के ऊपर की तरफ आता हूँ। एंड गाइस, तभी मैं क्या देखता हूँ यार, नीचे तो बंदे लूट में बिजी हैं और गाइस फाइट में बिजी हैं। तो फिर कहता है पीछे से मैं कर देता हूँ थर्ड पार्टी। सर गाइस, मैंने इस बंदे को निपटाया, इसी को निपटाने के साथ अपने किल चार हो चुके थे। लेकिन अभी भी हॉट ड्रॉप पे कुछ बंदे बचे होते हैं तो मैं उनको ढूंढने के लिए आगे जाता हूँ। लेकिन तो भैया, इस पेटी के मैंने चमगादड़ या कौवे जो भी बोल सकते हो उड़ाए। एंड गाइस, फटाक से अपनी लोकेशन जो थी शिफ्ट कर ली, बोले तो चेंज कर ली। क्योंकि गाइस, अगर सेम लोकेशन में बैठे रहोगे तो उसकी टीम में डाके आपको चटका देंगे कहीं से भी, टीपी भी लेके। तो फटाफट वहां से मैं निकला। एंड गाइस, और बंदे ढूंढने लगा इतने में ही। और ड्रॉप पे यार गाइस, कोई बंदा नहीं मिलने के कारण मैं फटाफट यार वहां से निकल जाता हूँ और बंदे ढूंढने के लिए। क्योंकि मेरे पास यार रिकॉल था और मैं अपना रिकॉल को वेस्ट करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि भाई साहब जितना हो सके पहले रिकॉल में बंदों को मार लिया जाए एंड दूसरे रिकॉल में थोड़ा सोच समझ के खेला जाएगा। क्योंकि भैया दूसरे रिकॉल के बाद रिकॉल नहीं मिलता है, तो भाई साहब पहले रिकॉल को तो वेस्ट कर सकते हैं और किल जितने ज़्यादा मिल जाए उतना बेहतर है। तो फटाफट यार मैं निकलता हूँ और गाइस देखो आगे चल के कहाँ बंदों से भिड़ता हूँ।
तो भैया एक बग्गी वाले को तो मैंने बग्गी से उतार दिया, लेकिन गाइस दूसरा वाला तो था पहली फुर्सत में अपनी बग्गी उड़ा के निकल लेता है। तभी यार मैं इस बंदे को कुचल के भाई सब किल कंफर्म करके निकल रहा होता हूँ, एंड मैं क्या देखता हूँ गाइस यार वेरोस की तरफ से कोई मेरे ऊपर गोली चलाता है। तो फिर क्या था यार सीधे गाड़ी में उनकी तरफ घुमा देता हूँ, लेकिन गाइस वो बंदे बहुत चालाक और कैंपर टाइप होते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई उनकी चाल समझ जाता है और देखो उनकी चाल उन्हीं पर कैसे भारी पड़ेगी। तो भैया यार जैसे जैसे इन बंदों को तो निपटा दिया था, एंड गाइस निपटाने के साथ साथ अपने किल 8 हो चुके थे एंड 33 बंदे अभी और अलाइव थे। तो फिर होता क्या है पहली फुर्सत में निकल जाते हैं उन बंदों को भी ढूंढने के लिए। और गाइस सामने होती है 3-4 बंदे जिसमें से दो को तो मैं निपटा देता हूँ, लेकिन गाइस एक बंदा कहीं अदर कवर में लेके बैठ के वही टपाटप कर रहा था। तो भैया जोन भी आने वाला था, तो मैं सोचता हूँ यार गाइस इससे अच्छा और बंदों को ढूंढा जाए क्योंकि बंदे अभी भी 16 अलाइव हैं। तो फटाफट यार मैं अपनी बग्घी उड़ाता हूँ और बंदों को ढूंढने निकल जाता हूँ। हेलो हेलो भाई भाई से गिर गया हूँ, आ जाए नंबर। हेलो 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 नंबर ब्रो, हेलो 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 बाइक से गिर गया हूँ ब्रो, आ जा आ जा आ जा आ जा जल्दी आ जा, बाइक से गिर गया हूँ यार। तो भैया यहाँ पर इन दोनों को तो मैंने निपटा दिया था और किल भी 14 हो गए थे, लेकिन गाइस मेरा यार रैंडम टीममेट था बोल रहा था भैया बाइक से गिर गया हूँ कोई आ जा रिवाइव दे दो। तो भैया मैं अपनी बग्घी उठाता हूँ और रिवाइव देने के लिए निकल पड़ता हूँ, लेकिन मैं इतने में देखता हूँ कि नंबर 3 जो था पहुँच चुका है रिवाइव के लिए। तो भाई साहब मैं एक बार फिर भी गाड़ी जो था संतुष्टि के लिए उसके आसपास घुमा लेता हूँ ताकि बाई चांस रिवाइव छोड़े तो मैं दे दूँ, लेकिन भैया वो रिवाइव उसको दे देता है और मैं इतने में गाड़ी घुमाता हूँ और ड्रॉप की तरफ मैं देखता हूँ मछली, और मछली के पीछे जो होते हैं केकड़े, और केकड़े दोनों मेरे पर गोली चलाने लगते हैं। तभी यार मेरा नंबर 2 उनमें से एक को नॉक कर देता है और बचा था अब एक बंदा। वॉच आउट, मार्क द लोकेशन। तो भैया इसी को निपटाने के साथ अपने किल हो चुके थे 15, एंड गाइस बंदे अभी भी 7 अलाइव थे हमें छोड़ने के बाद। एंड गाइस अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो फटाफट दबा लो, एंड गाइस अब देखो आखिर बंदे कहां मिलते हैं।
तो भैया इन बंदों को जैसे निपटाया और निपटाने के साथ साथ मैं अपने किल की तरफ नजर डालता हूँ और भैया मैं क्या देखता हूँ, किल में तो है किल 17, मतलब अब हो सकता है कभी भी खतरा। तो खतरे को पार करने के लिए यार मैं अपनी मछली को पकड़ता हूँ एंड गाइस पहली फुर्सत में बंदे ढूंढने निकल पड़ता हूँ। तो भैया मैं पीछे वाले बंदे को रिफ्लेक्शन पे नॉक कर देता हूँ। गाइस सामने बचा एक लास्ट बंदा, तो उसको डराने के लिए मैं एक वाटर बम डालता हूँ जिससे कि वो डर के पीछे भाग भी जाता है। लेकिन गाइस उस बंदे को मैं ले रहा होता हूँ हल्के में, लेकिन वो बंदा बेहद चालाक होता है, बट मेरे मारने से पहले किल चोरी हो जाता है एंड गाइस अपना 19 किल सोलो चिकन डिनर हो जाता है। तो आई होप आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा, तो मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बखैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।